और ये खड़ी आलिम भाई वाली बाइक, इसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऊपर चलते हैं, आलिम भाई का हो रहा है नई बाइक लेने का प्लान। इसको पर दिखाता हूँ मैं आपको, शायद हो सकता है आलिम अभी गाड़ी दूसरी बुक कर दे। हे गाइस, वेलकम बैक टू व्हीसल वॉरियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे भाई लोग, आई होप कि सारे भाई बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था सलीम की गाड़ी का हो गया था क्रैश, तो उसको करवाना है इंश्योरेंस के अंदर। तो मैं हूँ आलिम भाई, ये इसकी भी रानी का हो गया काम तमाम। इसकी भी गाड़ी थोड़ी प्रॉब्लम दिखा रही है, उसमें भी काम कराना है। प्लस सलीम भाई की जो बाइक है उसके अंदर भी, उसको तो छोड़ना ही छोड़ना फाइनल है, क्योंकि उसका क्लेम में काम होगा, इंश्योरेंस में काम होगा उसका, उस गाड़ी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मिलता हूँ आपको सीधा बाइक के ऊपर, बाकी बातें करते हैं वहाँ पे। और आज आपको दिखाता हूँ अलवर का यामाहा सर्विस सेंटर। सो गाइस, आप देख सकते हो ये वाली सलीम वाली गाड़ी है, इसका हमने रैप वगैरह निकाल दिया है, क्योंकि जब इंश्योरेंस में जाएगी तो रैप पे वो प्रॉब्लम करेंगे कंपनी वाले, इस वजह से इसका रैप निकाला है। आप देख सकते हो इस साइड से भी। और अब चलते हैं इसको लेकर एकदम, और आलिम भाई पहले ही निकल गया हमसे। क्या बात है यार, रानी बहुत ज़्यादा पावर छोड़ रही है आज। एकदम दहाड़ रही है यार, देख रहे हो। पिकअप वाले भैया निकालिए जल्दी से, हमें आलिम भाई को पकड़ना होगा। क्या बात है यार, कभी कभी तो रानी को चलाने में ना ऐसा मज़ा आता है जैसे सलमान खान चश्मे पहनकर जन्नत में बैठे हों। बहुत मज़ा आ रहा है यार आज इसको चलाने में। ये आता है 40-50 हज़ार रुपये का। हो रहे हो तुम भी रिकॉर्ड, अब इसमें तुम भी रिकॉर्ड हो रहे हो उसमें। रईस अलवरिया, बाकी यार हेलमेट लगा के चलाओ भाई, हेलमेट लगाओ यार, इसमें अपनी सेफ्टी। ले लिया, अब 2-3 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा तुम्हें, ये है ना, उसमें तुम भी आओगे। ठीक है, हेलमेट लगाओ लेकिन यार। यह है अपना यामाहा का सर्विस सेंटर। सो भाई लोग, सलीम की बाइक तो वहाँ पे खड़ी हुई है, वो छोड़ दिया उसको। और ये खड़ी आलिम भाई वाली बाइक, इसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये दोनों बाइकों के उसका नाम तो लिया है, वो मिलेगी 10 दिन के अराउंड, और ये वाली मिलेगी तकरीबन 5 दिन के अराउंड। तो देखते हैं, और ऊपर चलते हैं, आलिम भाई का हो रहा है नई बाइक लेने का प्लान, इसको वो कर देगा सेल। और अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, शायद हो सकता है आलिम अभी गाड़ी दूसरी बुक कर दे। अभी अपन जा रहे हैं गाइस शोरूम की तरफ अंदर, चुप झगड़ा नहीं करने का। सो गाइस, यहाँ पे होती है नई बाइक सेल। एम वाला है जो इस मंथ के लिए पहले आ जाएगा, एम वाला मॉडल। उसमें 15 दिन लगेंगे। व्हाइट का तो कोई फिक्स नहीं है, कभी भी आ बताओ भाई क्या करना है।
ब्लैक लेके आता था, अर्जेंट में लेके आता था। वाइफ की तो फिर ये बोल रहे हैं ना कि भाई बुक करा दो क्या, लेकिन डेट नहीं है वो कभी भी आ जाए। चल बहुत से मिल जाए एक बार बारह मोड़ दी। सो गाइस अभी चल रहे हम बॉस से मिलने के लिए। गाड़ी के बारे में थोड़ा और बता देते हैं उनको, जो यामाहा के बॉस है ना उनसे मिलते हैं। सो फाइनली भाई लोग अपन आ गए वापस शॉप पर। दोनों बाइक अपन ने छोड़ दिए, सलीम भाई की भी और आलिम भाई की भी, दोनों बाइक सर्विस सेंटर छोड़ दिए। तकरीबन 10-10 दिन का टाइम उन बाइकों में लगने वाला है, क्योंकि सलीम वाली में तो होगा इंश्योरेंस का काम, और आलिम भाई की में होगा। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। और हम यामाहा के शोरूम भी गए थे, तो वाइट वाला जो कलर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ ना, वो वाला आलिम बुक करने की सोच रहा था, लेकिन वो वाला अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हमने वो बाइक भी बुक नहीं हो पाई उसकी। तो अभी उन बाइकों में लगने वाला है थोड़ा सा समय रिपेयर होने में। सो गाइस ये वाला भी लोग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड लाइफ सेफ। Bye.